हाय पिला माने वेलकम बैक पिला माने आज रो क्लास रे आमे आलोचना करबा तमरो इतिहास बही रो पिला माने प्रथम अध्याय पिला माने प्रथम अध्याय अर्थ प्रथम अध्याय 6टी जाक पाठ कथा मु कहूची पिला माने से चैप्टर रो आमे पेखा पाकी 40 प्लस पिला माने आमे लॉन्ग क्वेश्चन बा सब्जेक्ट क्वेश्चन से आलोचना करबा पिला माने केबे भी भाबो नै जे पिला माने तमन कर ए वीडियो अति अननेसेसरी हे परबो पिला माने मन रख तुम सब्जेक्ट भितर पे ऑब्जेक्टिव बोध क्लियर होती तुम टिप्पणी बोध क्लियर होती पे विषय में तुम रिवाइज हो जाए के भी पे वीडियो को अणदेखा कर ना तो पे समय नष्ट करें आरंभ करवा क्लास पे गोटे कथा तुमको कही रखुच्छे जब पुराणा क्लास पे पूर्व क्लास वीडियो सब किसी देखी ना चैनल पे प्लेलीस्ट भेज कर देखिपार जब तुम कौन भी डाउट अच्छी मतलब कमेंट सेक्शन लिखिपार अदरवैज पे आम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अच्छी आम व्हाट्सएप ग्रुप रही पे तुम जॉइन कर सब बेनिफिट पाईपर ओके देख पे क्वेश्चन कौन पचारूँ माउंट बैटन को योजना घोषणा होगापर जातीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग्र भूमिका कौन थी लेख कि अंचल को नहीं भारत पाकिस्तान मध्य भागबंटा होता पे मन रख लंसर आलोचना कर पॉइंट नंबर ख सरी पे पॉइंट नंबर क देख जो अंचल गुड़िक मुस्लिम लीग्र प्राधान्य रही केवल से ही अंचल गुड़िक भाग करने कांग्रेस राजी है पे कौन है ना जो अंचल गुड़िक मुस्लिम लीग्र प्राधान्य रही केवल से ही अंचल गुड़िक भाग करने कांग्रेस राजी होगा पॉइंट नंबर ख से ही आधार में पंजाब बंग और आसाम विभाजन है एक क्षुद्र और संकुचित पाकिस्तान व्यवस्था देखी जिन्ना अत्यंत मर्माहत और क्षुब्ध होते सुधा अन्य उपाय नपाई योजना ग्रहण कले पे जिन्ना थे से आम कहीपर से मुख्य थे नेतृत्व नेता थे कह पाकिस्तान पे पाकिस्तान जो विभाजन समय जिना ही प्रमुख भूमिका ग्रहण करते पॉइंट नंबर ग माउंट बैटन योजना घोषणा होगापर जातीय कांग्रेस भारत अखंडता को बजाय रखापी सब प्रकार चेष्टा कर विफल होता पे जो माउंट बैटन योजना थी ताद्वारा तो आम भारत को संपूर्ण रूप पे विभाजित करने प्रस्ताव दि जाइए तथापि जातीय कांग्रेस पे जो बहुत बड़ नेतृवृंद थे से चाहते भारत को अखंडता बजाय रखा खंडविखंड कर दबाने तापर पे विफल होते माउंट बैटन को योजना ग्रहण करने व्यतीत भारत पाखे अन्य किसी विकल्प नाला पॉइंट नंबर वन मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर दुई तृतीयांश अंचल दाबी करता यह कांग्रेस ग्रहण कलाना कारण पाकिस्तान गठन पर भारत मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या अधिक होता पे एक महम्मद अली जिना जी जिना से चाहते मुस्लिम बहुत राज्य पे मुस्लिम बहुत देश पाकिस्तान अलग है भी संपूर्ण गोटे मुस्लिम मानने प्रकृष्ट पे कह मुस्लिम बहुत देश है भी भारत जी मुस्लिम थे ताठू भी पाकिस्तान मुस्लिम संख्या कम थी से पे कौन है ना कांग्रेस ग्रहण कला ना कारण पाकिस्तान गठन पर भारत मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान मुस्लिम अधिक है से पाने मैंने एक प्रकार आउ अली जिना का पाखे कौन प्रकार ऑप्शन रही तेणुक से बाध्य गोटे छोट और मानते संकीर्ण पाकिस्तान निज संतुष्ट करने पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट बैटन योजन जो भारत विभाजन संपर्क में कौन प्रस्ताव था पॉइंट नंबर पे क ब्रिटिश पार्लियामेंट क्षमता हस्तांतर करने 1947 अगस्त 15 पूर्व एक आईन पास कर पे कौन थी जे ब्रिटिश पार्लियामेंट क्षमता हस्तांतर करने मानने 1947 अगस्त 15 पूर्व एक आईन पास करने पड़े बाध्य पॉइंट नंबर ख देशीय राज्य गुड़िक भारत किंवा पाकिस्तान विषय किंवा स्वाधीन रहा निष्पत्ति नेबा स्वाधीन राज्य पे कौन कह देशीय राज्य पे जो थे छोट छोट राज्य थे से स्पेशल राजा थे से कौन करेंगे पाकिस्तान सहित मिसे कि भारत सहित से छाड़ दिजाने पसंद करेंगे क्या क्यों राज्य सहित मिसे क्यों देश सहित मिसे पॉइंट नंबर ग उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश सिंधु प्रदेश बेलुचिस्तान और आसाम मुसलमान बहुल सिलहट जिले में बास कर लोक मैंने भारत में रे कि पाकिस्तान रे से संपर्क निष्पत्ति नेवाई से सुजोग दिजा पे कौन हम ना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश जो सिंधु प्रदेश बेलुचिस्तान और आसाम मुसलमान बहुल सिलहट जिले में बास कर लोक मैंने भारत रे कि पाकिस्तान रे से संपर्क निष्पत्ति नेवाई सुजोग दिजाव यह गोटे पे से प्रस्ताव थी भारत संविधान प्रणयन सभा चालू रहा पाकिस्तान एक भिन्न संविधान प्रणयन सभा गठित हो पाने ये सब नियम थिला माउंट बैटन योजना भितर भारत विभाजन हो भारत और पाकिस्तान नाम दुईट देश सृष्टि हे बंगला और पंजाब प्रदेश विभाजित हो मुसलमान बहुल पूर्वबंग पाकिस्तान मिशि और अण मुसलमान बहुल पश्चिमबंग भारत में रुसलमान बहुत पूर्व पंजाब भारत में रार श्री रेडक्लिफ के अध्यक्षतार गठित सीमा निर्धारण कमिशन दुई देशर सीमा निर्धारण पे एत सब सेमकर नियम थी से चाहते जमी ही कौन हम आमर
ଆଗକୁ ଆଉ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଯାହା ଅଛି, ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡତା ଅଛି ସେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ଏକତାର ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏକତା ଭାବି ସେମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ ବା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା। ଏସବୁ କରିବାର ପଛରେ କାରଣ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା। ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଗ୍ରାମ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମାନେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବିପ୍ଳବ କରିବା, ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କିଛି ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେ କାରଣ ଥିଲା ବା କ'ଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେଲା, ଥରେ ପିଲାମାନେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରେଳ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ଥରେ ରେଳଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେହି କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଥରେ ରାତି 9ଟାରେ ପିଲାମାନେ ପାଦତରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାର କୋଠରୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରାଗଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼, ଶ୍ୱେତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ସପୋର୍ଟରେ କାହାର, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ, ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଇଂରେଜରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ବା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତିନୋଟି ନିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମର ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଖାପି 13ଟି କିମ୍ବା 12ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିନିଅ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତୁମର ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।